नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बेरोजगारी भत्ते के ऑनलाइन आवेदन में एक बड़ी प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में बात करेंगे। और ये प्रॉब्लम हर व्यक्ति को आएगी, चाहे उसे कितना ही एक्सपीरियंस क्यों ना हो। ये प्रॉब्लम मुझे भी कई बार आ चुकी है और आज की वीडियो में मैं जो बताने वाला हूँ उस पर अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो आप किसी भी छात्र का बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएंगे। ये बड़ी दिक्कत आ रही है बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब भी हम बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरते हैं तो सबसे पहले हमें रोजगार पंजीयन रजिस्ट्रेशन करना होता है, उसके बाद ही हम बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर सकते हैं। तो जब हम ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस टाइम पर आपको एक ऑप्शन मिलता है जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करने का। अब कोई भी व्यक्ति वहां पर लिखा हुआ है कि जन आधार संख्या दर्ज करें, तो कोई भी व्यक्ति क्या करेगा कि वहां पर जन आधार कार्ड नंबर दर्ज कर देगा। अब जन आधार कार्ड नंबर जैसे ही वहां पर दर्ज करेगा तो उस जन आधार कार्ड में कितने सदस्य है वो आपके सामने आ जाते हैं। आप किस सदस्य का बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भर रहे हो उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी जो डिटेल है आधार नंबर और उसकी मेंबर आईडी, उस सदस्य की मेंबर आईडी, वो सब ऑटोमेटिक आ जाता है। तो अब क्या दिक्कत आ रही है कि आप उस तरह से सेलेक्ट कर लेते हो, उसके बाद आप बेरोजगारी भत्ते का कंप्लीट फॉर्म फिलअप करते हो, डॉक्यूमेंट अपलोड करते हो और जब सबमिट करते हो तो आपके सामने एक एरर आता है कि भामाशाह डिटेल को दर्ज कीजिए या फिर भामाशाह को अपडेट कीजिए, जबकि आपके सामने कहीं भी ऑप्शन नहीं आया है कि भामाशाह नंबर दर्ज करो। अब जब आप रोजगार पंजीयन के रजिस्ट्रेशन को देखते हो तो वहाँ पर जन आधार कार्ड नंबर के साथ साथ या में भामाशाह भी लिखा हुआ होता है, जबकि पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पर भामाशाह ऑप्शन आपको दिखाई नहीं देगा। तो अब आपको भामाशाह का ऑप्शन भी वहाँ पर दिखाई देगा, तो उस जगह पर आपको भामाशाह नंबर दर्ज करने होते हैं। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें कि जहाँ पर जन आधार कार्ड संख्या लिखा हुआ है कि आप जन आधार कार्ड दर्ज करिए, वहाँ पर आप जन आधार कार्ड अभी दर्ज ना करें, वहाँ पर आप भामाशाह नंबर दर्ज करें। जैसे ही आप भामाशाह नंबर दर्ज करेंगे सभी सदस्यों की डिटेल आ जाएगी, आप उस सदस्य को सिलेक्ट कर लीजिए जिसके नाम से आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके बाद आप आगे का फॉर्म फिलअप करिए ताकि आपको फॉर्म सबमिट करने में कोई भी दिक्कत न आए। अब ये परेशानी क्यों आ रही है इसके बारे में बात करें तो ये परेशानी जब भामाशाह कार्ड था उस टाइम से तो भामाशाह कार्ड नंबर वहां पर दर्ज किए जा रहे थे, अब वहां पर उस पोर्टल को अपडेट किया गया है, भामाशाह के स्थान पर जन आधार कार्ड को अपडेट किया गया है। वहां पर भामाशाह के स्थान पर जन आधार कार्ड वाला ऑप्शन दे दिया गया है, ऊपर जन आधार कार्ड लिख दिया गया है, लेकिन वहां पर जन आधार कार्ड अभी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, अभी वो भामाशाह वाला ही ऑनलाइन काम चल रहा है, उसे अपडेट नहीं किया गया है, जिस वजह से ये दिक्कत आ रही है। क्योंकि वहां पर जन आधार कार्ड नाम तो लिख दिया गया है लेकिन वहां पर अभी भी भामाशाह मांगा जा रहा है। तो आप इस बात का ध्यान रखें, जहां पर जन आधार कार्ड नंबर लिखा हुआ है, आपको जन आधार कार्ड नंबर दर्ज करने के लिए बोला जा रहा है, वहां पर आप भामाशाह संख्या दर्ज करें, तभी आप बेरोजगारी भत्ते के फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। इसी के साथ मैं यहां पर आपको बता दूं कि आपने जन आधार कार्ड नंबर दर्ज कर दिए हैं तो आप ना ही तो उसे दोबारा से एडिट कर पाएंगे और ना ही आप नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अगर आप नई SSO ID बनाकर नया रजिस्ट्रेशन करने की सोच रहे हैं तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आप वो भी नहीं कर पाएंगे। आप जैसे ही आधार नंबर दर्ज करेंगे, नाम दर्ज करेंगे, मोबाइल नंबर वगैरह दर्ज करेंगे तो वो ऑलरेडी रजिस्टर बताएंगे, वो बताएंगे कि आपने पहले ही SSO ID में ये नंबर दे दिए हैं, ये आधार नंबर दे दिए हैं, ये जन आधार कार्ड नंबर दे दिए हैं, इस तरह से आपको दिखाई देगा, वहां पर एक एरर शो होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंटों को ये दिक्कत आ रही होगी क्योंकि उन्होंने जन आधार कार्ड संख्या वहां पर दर्ज कर दी है, भामाशाह जहां पर दर्ज करना था, भामाशाह संख्या जहां पर दर्ज करनी थी वहां पर उन्होंने जन आधार कार्ड संख्या दर्ज कर दी है, तो अब उसको एडिट कैसे करें, वहां पर भामाशाह नंबर कैसे लगाएं। तो इसका एक ही समाधान है, आपको रोजगार कार्यालय जाना होगा, वहां पर इस प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है, बाकी ऑनलाइन इसका भी कोई समाधान नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपके सामने आएगी तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप जब भी बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरें तो जन आधार कार्ड संख्या जहां पर मांगी जा रही है वहां पर भामाशाह नंबर दर्ज करें ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म सबमिट करने में कोई भी दिक्कत न आए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। इसी के साथ अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है या फिर आपको बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने में कोई और दिक्कत आ रही है तो आप बेझिझक कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा सपोर्ट जरूर दिखाइए।